किसान की आवाज चैनल से मैं रमेश बिंद। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी खेती के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा जिससे कि आप केवल एक एकड़ खेत से एक वर्ष में 20 लाख रुपया कमा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं पपीते की खेती के संबंध में। आप यदि पूरा एफर्ट दें तो 20 लाख क्या उससे भी अधिक आप पहुंचा सकते हैं। तो हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखें, आपको सारी जानकारी वीडियो में मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन दबाएं। आइए शुरू करते हैं। पपीता शीघ्र पैदा होने वाला फल है। खपत और उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे देश में 5वां स्थान रखता है। पपीता प्राय सभी प्रांतों में पैदा किया जाता है। पपीते की खेती के लिए ऐसे भूमि का चयन करना पड़ता है जो क्षारीय न हो और जहाँ पर जल भराव न हो, क्योंकि क्षारीय भूमि और जल भराव वाली भूमि में पपीता पैदा नहीं कर पाएंगे। अपने देश में पपीते की तमाम प्रजातियां प्रचलित हैं, लेकिन हम आपको सलाह देंगे रेड लेडी 786 प्रजाति की। ये पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा लुधियाना के द्वारा ये विकसित की गई प्रजाति है। ये मोज़ेक रोग रोधी है, इसमें इस रोग का प्रकोप न के बराबर है। एक एकड़ पपीते की खेती के लिए लगभग 150 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी नर्सरी वर्ष 2 बार डाली जाती है, एक तो जून से लेकर के अगस्त तक, सितंबर तक भी आप डाल सकते हैं, और दूसरा फरवरी और मार्च में डाली जाती है। नर्सरी डालने के लिए हम पॉली बैग, जो नर्सरी डालने के लिए बैग मिलता है, उसमें हम सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी का मिश्रण बना करके भर देंगे। उसके बाद लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे हम एक एक बीज एक एक पॉली बैग में डालने के बाद हम फुहारे द्वारा हल्की सिंचाई करते रहेंगे, तो अंकुरण लगभग 15 से 20 दिन में उसमें हो जाएगा और हमारी नर्सरी लगभग 2 महीने में तैयार। नर्सरी डालने के लिए जो भूमि का हम जिस मिट्टी का हम उपयोग करेंगे उस मिट्टी को उपचारित करना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो वायरस जनित रोग लग सकते हैं, फफूंद जनित रोग भी लग सकते हैं। तो हम नर्सरी तैयार करेंगे, जब हमारी नर्सरी लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर 5-6 पत्तियों की हो जाए तो हम उसका रोपण करेंगे। अब बात करेंगे खेत के तैयारी के संबंध में। खेत हमें ऊंचा देख के लेना है जहाँ पर कि जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, पानी बिल्कुल ना लगे, क्योंकि पानी जो है पपीते का दुश्मन है। तो जीवाश्म खाद हम मिला देंगे, उसके लिए हम डायरेक्ट खेत में भी मिला सकते हैं। और दूसरी विधि है कि 2 मीटर पंख से पंख की दूरी और 2 मीटर पौधे से पौधे की दूरी के हिसाब से 50 सेंटीमीटर चौड़ा, 50 सेंटीमीटर गहरा और 50 सेंटीमीटर लंबा, मतलब 50 घन सेंटीमीटर का गड्ढा जो है 2-2 मीटर दूरी पर हम बना देंगे, और उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद और फॉर्मलिन या एल्ड्रिन, मतलब उसको जमीन को शोधित करने के लिए हम इसको मिक्स कर देंगे और मिट्टी मिक्स करके हम गड्ढे को भर देंगे। ध्यान रहे जब हम गड्ढा भरेंगे तो ये जमीन से लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए ताकि डायरेक्ट सिंचाई के समय भी पानी इसके ये तने से टच न हो। तो इसके लिए पौधों के चारों तरफ, ताकि थोड़ी मिट्टी हो जाए, तो लगभग ज़मीन से हमारे खेत से 20 सेंटीमीटर हम उठा देंगे। इस तरह से पौधरोपण करने से एक एकड़ में 1000 से 1100 पौधे लग जाए।
उसके बाद जब हम पौधा हमारा बड़ा हो जाएगा उसमें हम रोपित कर देंगे। रोपित करने के बाद हम उसमें दो महीने बाद, जब रोप हमारे पौधे चलने लगे, दो महीने बाद हम 100 ग्राम डीएपी, 100 ग्राम म्यूरेटा पोटास और 100 ग्राम नाइट्रोजन तीनों मिला करके पौधे से लगभग 20 सेंटीमीटर दूरी पर वो सारी उर्वरकों को बिखरा करके और मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें मिला देंगे। उसके बाद सिंचाई करेंगे। इस तरह से ये चूँकि ये जल्दी पैदा होने वाला फल है और इसका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो होता है तो इसके लिए उर्वरक की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो हम दो महीने में इस तरह से हम उसको उर्वरक देते रहेंगे। और गर्मियों के सीज़न में 6 से 7 दिन में और सर्दियों के सीज़न में 10 से 12 दिन में हम हल्की सिंचाई करते रहेंगे। ध्यान रहे सिंचाई जो करें तो तना जो है वो पानी के संपर्क में न आए। बुआई के मतलब रोपाई के पौध के लगभग 2 महीने बाद इसमें फल आना शुरू हो जाएंगे और इसकी हार्वेस्टिंग रोपाई के लगभग 9 महीने बाद शुरू हो जाएगी। इसके फल थोड़ा लंबे टाइप के होते हैं, ये पौधे में फल लगा हुआ है और ये जब हल्का पीला होने लगे तभी इसको तोड़ लेना चाहिए, पूरी तरह से पीला ना होने दें। उसके बाद एक दिन रख दें, अगले दिन ये फल बेचने लायक तैयार हो जाएगा। यदि आप बहुत अधिक पका देंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट करने में ये फल थोड़ा नरम हो जाएगा तो उसकी जो है ट्रांसपोर्टेशन में आपको दिक्कत होगी। 1 एकड़ में हम अगर 2-2 मीटर पर लगाएंगे तो लगभग 1000 पौधे हमारे लग जाएंगे। और इस तरह से अगर हम 1000 पौधे लगाते हैं और एक पौधे से अगर अच्छी उत्पादकता मिलती है तो 70 से 80 फल आ जाते हैं और एक फल 1.5 किलो से 1.5 किलो तक होता है। तो इस तरह से हम एक पौधे से लगभग 1 क्विंटल फल पैदा कर सकते हैं। आज की डेट में मार्केट में 45 से 50 रुपये किलो पपीते का फल बिक रहा है। हम 45-50 छोड़ करके केवल 30 रुपये के रेट से ही अगर लें और 1 क्विंटल के बजाय हम 70 किलो का ही लें तो प्रति पौधा हमें लगभग 2000 रुपये दे देगा। और 1000 पौधे से अगर इसका गुना करेंगे तो लगभग 20 लाख रुपये हमें मिल जाएंगे। और यदि हम अच्छे से उर्वरक दें, देखभाल अच्छे से करें, रोग से बचाव करें तो 1 क्विंटल तक हम एक पौधे से ले सकते हैं, तो इसकी उत्पादकता 20 लाख से भी अधिक हो सकती है। अब इसमें हम बात करेंगे रोग के संबंध में और कीट के संबंध में। इसमें कीटों का प्रकोप तो विशेष रूप से नहीं होता है, रोग का है। तो जब हम पौधरोपण करने लगे तो हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से पौध का जो है वो शोधन कर लें और पत्तियों पर कापर ऑक्सीक्लोराइड के घोल का हम छिड़काव इस पर करते रहें तो फफूंद जनित रोगों से इससे बचत हो जाएगी। और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का हम छिड़काव करते रहें, प्लांटोमाइसिन के नाम से भी मार्केट में उपलब्ध है, तो इसका छिड़काव हम अगर करते रहेंगे तो वायरस जनित रोगों से भी हमें बचाव हो जाएगा। और हम चूँकि हमने चयन किया है रेड लेडी 786 का तो वैसे भी ये रोग रोधी है, इसमें रोग का प्रकोप बहुत कम होता है। तो इस तरह से अगर हम खेती करेंगे तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो।